जाना है शॉपिंग करने के लिए। मेरी छुटकी ऐसे सो रही है। बच्चों के सुबह एक पैर उधर और एक बच्चों पैर के सुबह के 5:30 9:30 आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि एक्चुअली हम लोग उठाए नहीं, सुहानी भी नहीं उठी, वो भी एकदम आराम से सोई थी। तो यहाँ लड्डू के पापा पूछ रहे थे कि आराम से नींद हुआ है, तो बोल रही है जी। फिर उसके बाद से ये एक्चुअली हम लोग लड्डू को जॉम्बी डराते हैं जॉम्बी से, तो ये पूछ रहे थे कि तुम जॉम्बी देखी हो। तो पहले तो ये बोल रही थी अरे एक बार मेरे को ही पकड़ लिया था, तो हम लोग हंसने लगे। हम लोग बोले अरे तुमको भूत पकड़ा था बोलती है हमको भूत पकड़ा था। फिर जैसे ही मैं कैमरा ऑन की एकदम शांत हो गई, कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब देखी कि हाँ इधर मैं कैमरा में बना रही हूँ तो कुछ नहीं बोल रही थी। बाद में बोलती है हाँ मेरे को भूत पकड़ा था एक बार बहुत पहले। बाकी हम लोग पूछे कि क्या कैसे, तो बोली बताई नहीं, बात चेंज हो गया टॉपिक। तो वही लड्डू के पापा पूछ रहे थे सच में तुमको भूत पकड़ा था, सच में पकड़ा था। तो वो सोच रही थी कैमरा में बोलूं या नहीं बोलूं। और सुहानी को मैं व्लॉग में इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि इसके भी घर वाले देखते हैं और ऑब्वियसली हर व्लॉग देखते हैं कि आज दिखेगी आज दिखेगी। तो यहाँ पे मैं ले रही थी लड्डू के पापा से यहाँ बात की। फिर उसके बाद सुहानी कुछ बोल रही थी, सुहानी को बोले जाओ बनी तुम जाओ, तुम हम लोग का फ्लॉप कर दियो व्लॉग में लेना। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोगों को जाना है कमर्शियल स्ट्रीट, हम लोगों को जाना था एमजी रोड। उसके बाद से हुआ कि चलो कुछ मतलब एक्चुअली शादी का ही शॉपिंग करना है मुझे खुद के लिए, बट वो हो नहीं पा रहा है। और आज तो हम सब मतलब मैं लड्डू छुटकी एक जैसा पहने थे, येलो येलो मैंने आज पहना दिया था। और करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, एक्चुअली करवा चौथ के लिए जा रहे हैं मोस्टली, बट देखते हैं शादी के हिसाब से पसंद आए तो। अभी लड्डू के पास फोन करके देख रहे हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग अपना खाना पीना खा चुके हैं, मतलब ब्रेकफास्ट टाइप का, लंच टाइप का, ब्रंच बोल सकते हैं। और अब निकलेंगे फटाफट से, अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है तो भी चलते हैं। और मेरी छुटकी भी उठ गई आज, हम लोग येलो येलो पहने से काजल पूरा स्प्रेड हो गया, तो चलिए चलते हैं फटाफट। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कमर्शियल स्ट्रीट अपने भाई की शॉपिंग के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन है तो अभी चलते हैं देखते हैं। वैसे पर्स वगैरह बहुत मस्त मिलता है इस वाले स्टोर में, चलेंगे हम लोग ये वाले में क्योंकि साड़ीज भी है। नहीं ब्लू नहीं, थोड़ा तो लाइट कलर में लेंगे, ऐसे पीच वाइट ऐसे। ये अर्जेंट का है ये नेट। एक वो पिंक। हम लोग तो चले गए शॉप में। आप लोग ये बताइएगा मेरी चूड़ी कैसी लग रही है आप लोग को। एक्चुअली मेरे को इसको व्लॉग में शेयर करना था, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली शादी के टाइम तक तो कर ही दूंगी। मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पहले से ही पसंद था और ये ना ऐसे कुछ लक्ष्मी टाइप का बना हुआ है इस पर। तो ये मैंने कुछ दिन पहले ही लिया था बट मैं व्लॉग में नहीं शेयर कर पाई थी। यहाँ पर मैं पिंक और पीच कलर का देख रही थी, ये वाला मतलब लाइट पिंक ये सब शेड में ही देख रही थी क्योंकि सब लोग बोलते थे आप हमेशा डार्क पहनते हो, तो मैंने सोचा चलो शादी वादी में कुछ लाइट टाइप का पहनते हैं। बट द थिंग वॉज दैट कि जो मुझे पसंद आ रहा था, मुझे एक साड़ी इसमें पसंद आई थी आई थिंक, जो ये मैंने हाथ में लिया है उससे पहले वाली जो पिंक कलर की थी, उस साड़ी का कॉस्ट था 23,000। और जो सामने आप पिंक साड़ी देख रहे हो ऊपर टंगी हुई, उसका प्राइस था 32,000। मतलब सीरियसली मैं 32,000 का कपड़ा कभी ना पहनूं। 32,000 में तो मैं एक यार कुछ एसेट खरीदूं जो कि कभी भी ज़रूरत आने पे मैं वो कर पाऊँ। और साड़ी ऐसा होता है कि एक दो बार पहना, वैसे साड़ी फिर भी हो जाता है, लहंगा तो बिल्कुल नहीं हो पाता। साड़ी तो 2-4 बार पहन सकते हैं लेकिन वो भी आप कोई इवेंट ओकेज़न में। अब मेरे को नहीं लगता प्रिंस के बाद कुछ ऐसा हैवी ओकेज़न पड़ने वाला शादी विवाह जिसमें हम लोग जाए,
क्योंकि मेरे ही घर में पड़ेगा, मेरे भतीजे की यानी कि लड्डू के पापा के जो भतीजे हैं यानी मेरे जेठ जी के बेटे की, तो वो भी अभी 5-6 साल टाइम है और तब तक तो कितने सारे नए डिज़ाइन आ जाते हैं। तो मतलब 32,000 28,000, मतलब मुझे जो पसंद आया था वो 26,000 का। फिर मैंने बोला कि यार मतलब लड्डू के पापा बोले बहुत ज़्यादा ही महंगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि कोयम्बटूर में भी मैंने लिया है, यहाँ तक सब लोग बोल रहे दिल्ली में ले लो दिल्ली में ले लो, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे लोग ये भी वेट कर रहे थे कि मैं अम्बाला कब जा रही हूँ। तो मैं ये बोलूँगी अम्बाला तो क्या, बट मैं भैया भाभी से मिलने वाली हूँ और फिर हम लोग जाएंगे। यहाँ पे एक ब्लैक कलर मतलब वाइन ब्लैक ऐसे साड़ी थी, बट ब्लैक मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक, बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जल्दी से भैया भाभी से मिलूँ, तो घर जाने के पहले ही डेफिनेटली मैं मिलूँगी भैया भाभी से। एंड दिल्ली से मैं शॉपिंग नहीं कर सकती क्योंकि दिल्ली में उस दिन मेरा काम है और मुझे नहीं लगता भैया इतना वेट करेगा कि चलो शॉपिंग कर लेते, मतलब कि कर भी सकता है लेकिन अगले दिन ही हल्दी कुटाने वाला है, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया, बहुत हेक्टिक। और दिवाली मतलब ऐसा है कि बहुत हौच पौच में पहुंच रहे हैं और ज़्यादा दिन छोड़ नहीं सकती। फिर भी मैं लड्डू का बहुत दिन कंसिडर की हूँ कि बहुत दिन उसका छूटने वाला है स्कूल, मतलब उसकी मैम ने मना किया है स्ट्रिक्टली, लेकिन लड्डू के पापा ने बोला कि नहीं आप रहो तभी आप रखना लड्डू को, अदरवाइज़ वो 12 बजे आ जाता है स्कूल से तो मैं ऑफिस में रहूँगा, वो अकेले क्या करेगा। तो बात सही भी है, लड्डू भी बहुत छोटा है वो क्या ही करेगा, और उसका ट्यूशन भी होता है तो 5 बजे उसको रेडी करके भेजना पड़ता है। ये नहीं कि वो मतलब बुक वगैरह लेके तो खुद से जाता है, लेकिन होता है ना कि आप उसको अच्छे से खिला पिला के भेजो तो घर पे कोई ना कोई आदमी होना चाहिए जो ध्यान रख पाए, बट हो ही नहीं पा रहा था। और इसी वजह से मैं पहले जा रही हूँ, लड्डू के पापा पता नहीं कब तक आएंगे, बट शादी में तो रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पे मैं ध्यान ही नहीं था, कैमरा नीचे था, बट जब बहुत ज़्यादा शूट वगैरह कर लिया तब जाके ध्यान आया कि यार कैमरा ऊपर रख के भी शूट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लहंगे ट्राई किए, बहुत सारी साड़ियाँ ट्राई की, नहीं इस वाले में मैंने सिर्फ साड़ी ट्राई किया था, इसके बाद मैंने बहुत सारे लहंगे ट्राई किए और फाइनली मुझे पसंद तो आया था 2-4, लेकिन कोई कोई मतलब इतना स्टाइलिश था ना कि उसका नेक बहुत ज़्यादा डीप था, मतलब मैं नहीं पहन सकती थी। कोई कोई इतना मतलब फिटिंग मेरे को किसी की भी नहीं आई, इतनी लूज़ आ रही थी, और एक मुझे फिटिंग की आई थी तो वो मुझे बहुत, उसका नेक बहुत मतलब वो लगा, बहुत ही स्टाइलिश मतलब मुझे लग रहा था देख के, पहन के भी अच्छा लग रहा था। उसका और भी ऑप्शन था कि हम करा सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब आप 18-20 हज़ार का कपड़ा ले रहे हो और उसके बाद भी आपको अपने तरफ से कारीगरी कराना पड़े, तो उससे अच्छा है कि आप अनस्टिच लो और फिर आप स्टिच करवाओ अपने अकॉर्डिंग, अपने नेक के चॉइस, अपने स्लीव्स के चॉइस, तो ऐसा होता। फिर यहाँ पे मैंने ना ये ब्लू साड़ी देखी, मुझे ये ब्लू मेरा ऑल टाइम फेवरेट है तो मुझे ये पसंद आया, मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। इसकी कॉस्टिंग भी अप्रॉक्स मतलब ऐसी थी 16,000-17,000, लेकिन आप सोचो यार, आप लोग कमेंट करना कि कौन कौन मेरे टाइप के हैं जो कि 16,000 की साड़ी की बजाय, मानती हूँ मैं शादी एक बार ही हो तो साड़ी भी मैं एक बार ही पहनूंगी मतलब मोस्टली इन सब इवेंट में, बट 16-17 हज़ार भाई मैं तो उसमें की नहीं हूँ जो 1-1,50,000, मुझे लगता है मेरी शादी का लहंगा भी इससे सस्ता ही था और वो एक बार ही पहना और रखा गया। तो अपनी शादी का तो चलो ले सकते हैं क्योंकि वो ड्रीम होता है लड़कियों का कि चलो मेरी शादी है, ये है वो है, बट मुझे नहीं लगता कि कपड़े 30,000-32,000 के मैं कितने सारे खरीद लूँगी, पता है मैं उसमें नहीं भी तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो 3-3 हज़ार के हिसाब से भी मैं कितने सारे सोचो खरीद सकती हूँ, बट सिर्फ 32,000 और 26,000-17,000-16,000 का मम्मी तो ऐसे ही डांटने वाली थी। और मेरे घर पे तो वैसे ही सब लोग मतलब वो होते हैं कि आप कोई फिक्स्ड उस चीज़ में लगाओ और एक दिन के लिए इतना महंगा, बट फिर भी मैंने कैसे भी, लड्डू के पापा ने बोला अरे शादी बार बार थोड़ी होती है, एक बार होती है, ले लो ले लो। मैं तो उनको बोली आने के बाद कि यार आप तो ऐसे हो कि मेरा और खर्चा करा दोगे कि नहीं ले लो ले लो, आपको बोलना चाहिए नहीं मत लो, तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं मना करूँगा तो तुम्हें लगेगा कि मतलब मना कर रहे हैं, बट यार मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं 18,000 और 20,000 के कपड़े कर दूँ। हालाँकि मैंने लहंगे भी ट्राई किए, कुछ कुछ तो मुझे लहंगे पसंद आ गए थे जो कि फाइनल हो गया था 15,000 का लीस्ट जो मैंने ट्राई किया, और मुझे ऐसा लगता है नॉर्थ में इससे सही रेट में मिल जाती है साड़ियाँ। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा, मेरी तो राय इतनी। गाइस देख के तो आ गए इस पीछे वाले स्टोर में,
बट इतना महंगा, क्योंकि जो मेरे को पसंद आया वो 30,000 का साड़ी था। जैसे ये वाला अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा मतलब मैं हमेशा डार्क डार्क कलर पहनती थी, इसलिए सोचिए थोड़ा लाइट टाइप का ट्राई करूँ, बट फिर भी पसंद एक डार्क ही आया। ये एक आया है जो कि ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी मुझे पसंद आ गया था ये ब्लू वाला, और इसी ब्लू वाले का नेक मैं बोल रही थी। तो ये है जो नेक जो है ना पूरा नीचे तक जो नेवल एरिया होता है वहाँ तक ये पूरा वो था, उसका कट डिज़ाइन था, बट ऊपर थोड़े से पोर्शन में जॉर्जेट का कपड़ा लगाया हुआ था जो कि हमें चाहिए था, तो और ऊपर तक हम लोग लगवा सकते थे। बट मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। पहना तो बहुत प्यारा था, उसका ब्लाउज ही सबसे ज़्यादा प्यारा था, बट उसका दुपट्टा मतलब उतना खुल के नहीं आ पा रहा था, और उसका नेक का भी इशू था, तो नेक का इशू तो चलो फिक्स करा सकते थे, बट दुपट्टा क्या ही करते। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े मैंने साइड करा दिए थे कि चलो मैं पहनूंगी। तो ये 4-5 कपड़े मैंने ट्राई किए, और सबसे लीस्ट जो अमाउंट था वो 15,000 का था। MG रोड नहीं, कमर्शियल स्ट्रीट आए, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन कोई कोई तो बहुत, हाँ भैया, कोई कोई बहुत ज़्यादा लूज था, कोई कोई बहुत नेक डीप था। मुझे एकदम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा के पहनना अच्छा लगता था, कि छोटा गला तो इतना बड़ा बड़ा मिल रहा था, लेकिन 2-3 ट्राई किया, उसमें से एक तो पसंद आया, बट अभी देखते हैं और भी उसके बाद से आएंगे। हेलो, 2 रुपीज़ सर।